प्रथम आह्वान करें परात्पर एवं परात्पराजननी की सम्मिलित दिव्य चेतना का, अवतरित होकर वर्तमान में परात्पर के प्रतिनिधि स्वरूप प्रादुर्भूत हुए महायोगी महर्षि अरविंद द्वारा विरचित सावित्री महाकाव्य के बुक वन कैंटो फोर द सीक्रेट नॉलेज 49वें पृष्ठ की पहली पंक्ति पर 16वें इंस्टॉलमेंट में हमारी चेतना को अपनी चेतना के साथ रखकर ऊर्ध्वारोहण कराएं, ताकि रखे गए भाव को, विचारणा को, मंत्रों को, सूत्रों को प्रकट होने पर हम ठीक ठीक देख सकें, जान सकें, सीख सकें, समझ सकें, तद अनुरूप साधना के दुरुपथ पर अपना कदम आगे बढ़ा सकें। इसी मनोभाव से हम प्रयत्न करते हैं। कहते हैं महायोगी, इट इज द ओरिजिन एंड द मास्टर क्ल्यू, ए साइलेंस ओवरहेड, एन इनर वॉइस, ए लिविंग इमेज सीटेड इन द हार्ट, एन अनवॉल्ड वाइडनेस एंड ए फैदमलेस point, the truth of all these cryptic shows in the space, the real towards which our strivings move, the secret grandiose meaning of our lives. पूर्व के कुछ भाव को साथ रखकर सरल भाव की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सृष्टि सृजन आरंभ में परम दिव्य अचलायमान परमात्मा से उदित संकल्प एको हम बहुश्याम जागृति उपरांत उन्हीं की दिव्य चेतना का एक भाग संकल्प सिद्धि हेतु उनसे अलग होकर सप्त सोपानों से अवतरित होकर अभिव्यक्तिकरण खातिर अंश अंश में बटकर आकारित चेतना द्वारा अचित आवरण को अपने ऊपर ओढ़कर देश काल सीमा बद्धता स्वीकार करके नामा रूपों में अभिव्यक्त होकर महाप्रकृति की सतत विकसनशील प्रक्रिया से चेतना ऊर्ध्वारोहण करते हुए जड़ से मानवता तक के चमत्कारिक परिवर्तन प्रक्रिया को अत्यंत धैर्य पूर्वक शांत चित्र कर अनंत युगों से मानव आकारों के भीतर निवसित दिव्यांश का साक्षी बनकर विकसित होते हुए आगे के नवीनतर विकसित स्वरूप में अभिव्यक्ति हेतु अनेक विधियों से सतत बढ़ते चले जाने का संघर्ष एवं प्रयास करता चला जाता है। सृष्टि के मूल में एक ही मौलिक और मूलभूत तत्व जो सृजित बनकर सब कुछ का सर्वमूल है, आदि सूत्र है, जो ऊर्ध्व परालोक स्थित अचलायमान सचलायमान रूप में हमारे अपराध जगत अभिव्यक्ति के सिरों पर एक परम सुशांति है, और वही मूल चेतना अरूप से अपरालोक में आकारित होने के लिए अवतरित होकर अंश रूप में मानवता तक
जड़ से विकसित होकर अभिव्यक्त हो जाने पर मानव के अंतरतम हृदय की दिव्यवाणी जिसके आकारों में प्रवेश करके निवसित होकर रहने पर जैसे एक बाह्य आकारित नश्वर निर्जीवता में भीतर जीवंत जीवित मूर्ति जो भीतर सिंहासनारूढ़ बनकर स्थापित रहती है, जैसे प्रज्वलित अग्नि की लौ सतत सजग बनी प्रत्येक अभिव्यक्त व्यष्टि में विराजित रहती, इस प्रकार अचलायमान का सचलायमान बनकर सृजित सृष्टि के अस्तित्व के छोटे से छोटे कण तक के भीतर अरूप दिव्यांश की एक भित्ति रहित दीवार रहित अनंत की सृजन में अनंत विशालता जो सदैव समस्त आकारों से अनजान बनी रहकर अदृश्य अविदित अनंतता से अणु परमाणु बिंदु की थाह विहीन एक सतत चलने वाली अंतहीन कहानी लगती है। यही है वह जो अणु परमाणु या अस्तित्व के सबसे छोटे अंश में भी भागवत संकल्प सिद्धि प्रयासरत देश काल सीमा बद्ध बनकर स्वयं पर पड़े आकारित चेतना पर पड़े अचित असत आवरण ओढ़कर व्यक्त स्वरूप में ब्रह्मांड रंग भूमि पर चलने वाले समस्त गुह्य दृश्यों का चरम परम सत्य ये भागवत अंश सबका सब कुछ का चरम परम सत्य ये भीतर निवसित प्रत्येक आकारों में निवसित दिव्यांश ही है और सृजन आरंभ से लेकर आज तक के प्रथम आकारित जड़ से लेकर मानव विकास तक की अत्यंत ध्रुव विकास यात्रा में होने वाले मानव समझ में न आने वाली गूढ़ प्रयत्न में प्रयासरत यही वह सत्तत्व बना रहता है। मानव स्वभावतः ही सदैव वर्तमान जीवन यापन को देख जान व समझ पाने के कारण स्वयं को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है। वर्तमान का उसके जीवन का रहस्यात्मक निगूढ़ और संपूर्ण वैभवशाली दिखने वाले जीवन का वास्तविक अंत अर्थ इन्हीं भागवत अंश उपस्थिति का सतत सत्ता को ग्रहण किए रहकर बाह्य अभिव्यक्त उन्नत स्वरूप की ओर विकसित होते जाने की ओर सतत बढ़ते ही रहता, बस यही सच्चा अर्थ है। आज हम इस सारगर्भित विषय को यही विराम देते हैं। आह्वान पर अवतरित हुई परात्पर एवं परात्परा जननी जिनकी दिव्य चेतना पर आरूढ़ होकर हमने सावित्री महाकाव्य के दिव्य सूत्रों मंत्रों को प्रकट होने पर देखा सीखा समझा जाना। अवतरित हुई दिव्य चेतना से हम निवेदन करें प्रकट हुए इस ज्ञान को विज्ञान को हमारी सत्ता के स्तरों में
उचित स्थान प्रदान कराएं ताकि साधना के दुरुपयोग पर जब जब हमें इस ज्ञान विज्ञान की आवश्यकता हो तब तब यह ज्ञान विज्ञान जागृत होकर साधना के दुरुपयोग पर हमारा नेतृत्व कराए। इसी मनोभाव से हम कुछ पलों के लिए ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाएं। सचेतन सावधान सावचेत बने रहें। भागवत क्रिया हमारी सत्ता के स्तरों पर संपन्न होने जा रही है।